आज के दिन हम थैलेसीमिया और COVID-19 की जो पेंडेमिक है उसके बारे में बात करेंगे। थैलेसीमिया मर्ज ऐसा होता है जिसमें बच्चे खून नहीं बना सकते, तो इनको हर महीने खून लगना ज़रूरी होता है। COVID-19 ऐसा वायरस है जो मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, हाथों के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। और अब तक इसका कोई सबूत नहीं है कि ये खून से एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होता है। तो जो थैलेसीमिया के बच्चों जिनको खून लग रहा है उनमें कोई ये शुबा नहीं है कि ये खून जो लगेगा उससे उनको कोविड हो सकता है। ये थैलेसीमिया के बच्चे चूंकि उनको दिल के भी अमराज होते हैं, हार्मोन के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ बच्चों की तिल्ली निकली हुई होती है, तो इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कम काम करता है। तो इसीलिए अगर COVID-19 के एक्सपोजर हो तो इनको ये जल्दी भी लग सकता है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस इन बच्चों में ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसीलिए एहतियात की बहुत ज़रूरत है और एहतियात वही है जो दूसरे बच्चों का है, जिसका हाथ का धोना है, बार बार साफ सुथरा रखना है, दूसरों से नहीं मिलना है, कम से कम बाहर घर से निकलना है। यही एहतियात आप इन बच्चों के लिए भी रखें। इस दौरान में जब COVID-19 की वजह से लॉकडाउन है, खून का अत्या बहुत कम से कम मिल रहा है, इस वजह से पब्लिक को इल्तिजा है कि आप आएं, खून दें और इन बच्चों की जान बचाएं।